ईयरफोन युवाओं के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने की लत से युवा सड़क और रेल पटरियों पर हादसे का शिकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ भिलाई में यहां सुपेला अंडरब्रिज के पास कान में ईयरफोन लगाकर रेल ट्रैक पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत के पर ही मौत हो गई। उसे ट्रेन ने इतनी स्पीड में टक्कर मारी कि वो हवा में 100 फीट उछलकर दूर जाकर गिरा। दोस्तों ने बताया कि शशांक हमेशा एक कान में ईयरफोन लगाकर रखता था, इसी के चलते वो उनकी बात नहीं सुना और ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक युवक का जो शव है वो पीएम के लिए अस्पताल भेजा गया है। यहाँ देर शाम पीएम के बाद शव परिजनों के हवाले किया गया। वहाँ से पहले बैठे हुए थे ऐसे नॉर्मल पीने के लिए, उतने में मैं पहुँचा। उतने में जैसे ही निकले हम लोग, भैया सबसे आगे में थे, पीछे से ट्रेन आ रही थी, आवाज़ भी लगा दिए थे कि भैया ट्रेन आ रही है करके। भैया भी सचेत हो गए थे और लेकिन एक कान में ईयरफोन भैया का हमेशा रहता ही था। तो एंगल से ना ट्रेन इतनी तेज़ी से पड़ी यहाँ पे उनके बैक में, बहुत तेज़ी से फेंकाए, देखते भी नहीं बना। उतने में मैं दौड़ते हुए गया, उनको उठाया, बुलाया और मदद बुलाया, ऑटो में लेके उनको गया मैं हॉस्पिटल, सुपेला हॉस्पिटल वहाँ ले जाते। गायत्री रास्ते में टूट गए हॉस्पिटल में, रास्ते में मतलब रास्ते में खत्म हुए नहीं, नहीं वो बात कर रहे थे हम, सेक्टर 9 तक बात की।